कहते हैं कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती, जहां चाह वहीं रहा। 2019 की मिस टीन इंडिया बनकर इस कहावत को सच कर दिखाया है अक्षिता मिश्रा ने। अक्षिता ने 180 प्रतियोगियों को पिछाड़ते हुए ये खिताब जीता है। आज हम आपसे रूबरू करने जा रहे अक्षिता से। अक्षिता आज हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं और उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका टीन इंडिया का सफर। बधाई हो, आप 2019 की मिस टीन चुनी गई हैं और मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी जर्नी रही, कुछ शेयर करिए हमारे साथ। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा और जो वहाँ के 5 दिन थे उसमें जो हमारी मेमोरीज थी वो बहुत अच्छी बिल्ड हो गई है और हम उसे कभी भूलने नहीं वाले, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा वहाँ का। और हम लोगों ने जो मस्तियाँ करी थी और जब हम लोग कभी भी मतलब मैं भी एक बार हल्का सा लेट हो गई थी 1 मिनट, तो मैम ने कहा था हो गया तुम्हारा, 7 बज गए तुम्हारे, तो मतलब मैं काफ़ी उसमें थी, मुझे ज़्यादा आदत नहीं जल्दी उठने की। लेकिन जब पनिशमेंट मिलता था बाकी लोगों को तो इतनी मज़ा आती थी, बता नहीं सकते, वो सब तो याद ही, मतलब कि काश वापस आ जाए वो 5 टाइम। किस तरह के राउंड थे और कैसे पनिशमेंट देते थे वहाँ पर? हमारे थे टैलेंट राउंड था, क्वेश्चन राउंड था और पूल राउंड था, सेमीफाइनल राउंड था, ये 4 राउंड थे और प्लस पोर्टफोलियो था। और पनिशमेंट मतलब गर्ल्स को तो मैम ने पनिशमेंट दी नहीं थी, बॉयज़ ही को पनिशमेंट मिली थी ज़्यादा, तो उनको कैटवॉक करवा रही थी, डांस करवा रही थी, गाना गवा रही थी, यही सब कर रही थी। तो कैसी मेमोरीज हैं अभी? कौन सा ऐसा राउंड था या क्या, कौन सा ऐसा क्या था जो अभी भी आपको याद है, चाहे पूल का हो या कुछ भी? जब हम लोगों का मेरा फेवरेट राउंड था पूल राउंड, हम लोग इसमें क्या हुआ कि हम लोगों को बुला दिया गया था 8 बजे और कुछ हो गया था तो आधे घंटे डिले हो गया। हम सब लोग पूल के पास बैठ के टिकटॉक बना रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और वहाँ पर मतलब जो म्यूज़िक सिस्टम था तो उनसे जाके बोले कि ज़रा म्यूज़िक बजाइए, हम लोगों को डांस करना है, तो उन्होंने म्यूज़िक बजाया, उतनी तेज़ तेज़ बजाया हम लोगों ने, वहाँ पर डांस कर रहे थे तो सब सर लोग आए तो डांटने लगे, कह रहे यही करो तुम लोग, यही करने आए हो बस। क्वेश्चन आंसर तो क्या पहले से आपको जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर में आपको क्या बताया जाता है कि क्वेश्चन आएंगे, कि तैयारी किस तरह कराई जाती है क्वेश्चन आंसर? नहीं, हम लोगों को जब ये शो था उससे पहले हम लोगों को बोल दिया, मतलब एक क्वेश्चन का मतलब लिस्ट मिली थी तो हम लोगों को उसमें से बस एक बार उसको पढ़ना था। वैसे जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं और ना ही हुए थे, 2-3 हुए थे मुश्किल से, बाकी तो सब जजेस ने अलग अलग ही पूछा था, तो उसी समय हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, बस जैसे जैसे दिमाग में जो जो फ्रेम होता रहता है बस बोलना रहता है और देखना होता है, कॉन्फिडेंस से बोलना होता है, फिर वो सही हो या ना हो क्योंकि जजेस मेनली कॉन्फिडेंस देखते हैं। उस समय जिस समय आपका नाम अनाउंस हुआ 2019 इंडिया मिस अक्षिता मिश्रा, कैसा फील हुआ? मेरा टैग नंबर 12 था तो मुझे याद है, जब हम लोग सेमीफाइनल राउंड में हम लोग स्प्लिट हो रहे थे, मतलब टॉप 5 जब चूज़ हो रहे थे तो उसमें मेरा टैग नंबर बोला गया 12, तो मैं आगे बढ़ी, उसके बाद मैंने कहा मुझे कैसे टॉप 5 में ले सकते हैं, मैं पीछे हो गई, फिर पीछे से आवाज़ आई कि जाओ तुम्हारा ही है, फिर मैं गई उसके बाद वापस आई उसके मतलब राउंड लेके, फिर जब टॉप 5 को खड़ा किया था क्राउनिंग के मतलब चूज़ करने के लिए तो मैं भी थी, तो जब उन्होंने बोला मिस टीन इंडिया अक्षिता मिश्रा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता तो था कि हाँ जीतूंगी, बट इतना ट्रस्ट नहीं था, तो मतलब कि मैं इतनी खुश थी कि मेरी मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि लोग कह रहे इधर खड़ी हो उधर खड़ी हो, मेरी हंसी बस इतनी चढ़ी हुई थी मेरे मुंह पे कि मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, मतलब इतनी खुश थी मैं वहाँ पर उस समय। आप फर्स्ट टीम इंडिया में, तो कैसा लगा? इसके बाद जो आएंगे तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? मैं फर्स्ट मिस टीन इंडिया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डेलीवुड ने पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया था मिस टीन इंडिया, और आगे आने वाले को यही बोलूँगी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल
हाई रखना, नर्वस ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग जब भी होए तो ज़्यादातर अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा जज होते रहते हैं और हमें इनफैक्ट ये भी नहीं पता होएगा कि हम किस मोमेंट पे जज हो रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो जज हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो जज हो रहे हैं, किसी सर या मैम के पास जाके कुछ कह रहे हैं तो भी जज होते हैं, तो पूरे टाइम हम सब जज ही होते हैं। तो फिर हमेशा अटेंटिव और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी किसी को, कभी बड़े लोगों को नहीं होते, कुछ लोग ओवर एक्ट करने की कोशिश में बड़े लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये रही अक्षिता जब आप टीन इंडिया थी, अक्षिता पर्सनल लाइफ में कैसी लड़की है? मैं काफ़ी कूल माइंडेड इंसान हूँ और जल्दी, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ, जैसे होता है ना स्कूल में, इससे लड़ाई हो गई तो रोने लग जाते, उससे लड़ाई हो गई, इनफैक्ट बाकी लोगों से अगर लड़ाई होती है बाकी लोगों में तो वो सब खुद सॉल्व करते, अगर मेरी लड़ाई होती तो मेरी मम्मी सॉल्व करती, क्योंकि मैं रोती रहती हूँ पूरे टाइम घर आके, सॉफ्ट हार्ट। हाँ, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे समझती हैं, तो मुझे इन सब से दूर रखती हैं लड़ाई वड़ाई से। तो अब जीतने के बाद फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? सेलिब्रिटी वैसे उसी टाइप का है, लेकिन वैसे मैं ज़्यादा स्कूल में इसको उतना वो नहीं देती, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ने जाती हूँ, अगर वो लोग शुरू भी कर देते हैं इसकी बात तो मैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्कूल में मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल में बस पढ़ाई करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं और सीखने जाते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों की मुझे बातें करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट अगर कोई बोलता भी है कि और मिस टीन इंडिया बताया गया, तो मैं कहती हूँ मिस टीन इंडिया में बाहर हूँ, स्कूल में अक्षिता मिश्रा नॉर्मल गर्ल एज अ स्टूडेंट हूँ। तो अब पढ़ाई का भी काफ़ी आपके ऊपर अभी प्रेशर होगा, और जब टीन इंडिया में आप पार्टिसिपेट कर रही थी उस समय पढ़ाई का क्या? जब मैं गई थी तो पहली बात तो उस बीच रक्षाबंधन और 15 अगस्त और काफ़ी सारी छुट्टियां भी थी, मतलब कि बस मैं 2 दिन एबसेंट मार गई, बाकी दिन तो छुट्टियां थी, तो ज़्यादा पढ़ाई छुट्टी नहीं, और उतना बर्डन नहीं है, प्रेशर मैं कोप अप कर लेती हूँ पढ़ाई के साथ। पढ़ाई में कैसी है अक्षिता? एवरेज एवरेज। हाँ, फ्यूचर क्या देखती है अक्षिता का? मुझे आगे, मतलब इसके साथ रुकना नहीं है, इसका बेनिफिट लेते हुए मुझे आगे बहुत सारी मंजिलें हासिल करनी है, जैसे मुझे मिस टीन इंडिया के बाद मिस इंडिया फेमिना बनना है, और उसके बाद मिस वर्ल्ड बनना है, और मिस यूनिवर्स भी बनना है, प्लस बॉलीवुड एक्ट्रेस भी बनना है, एंड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर भी बनना है। आई गॉट अ फैमिली, सब बनना है अक्षिता, बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। क्या देखती है फ्यूचर में, अगर डॉक्टर इंजीनियर या फिर आप साइंटिस्ट बनने का इतने सारे हैं, तो फर्स्ट आप किसको देंगी समय? मॉडल तो मैं हूँ ऑलरेडी, बट इसको मैं आगे करूँगी, और अपना देखिए मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ माई पैशन, बट और डॉक्टर एंड ये सब बनना इज़ माई ड्रीम, तो मैं पैशन को भी फॉलो करूँगी और अपने ड्रीम को भी फॉलो करूँगी, तो पैशन के लिए भी अलग टाइम होएगा और अपने ड्रीम्स के लिए भी अलग टाइम होएगा। तो आगे फ्यूचर में एक्ट्रेस बनना है वैसे आप? हाँ। तो अभी कितने प्रोजेक्ट और कहाँ अभी क्या? अभी मुझे दिसंबर में जाना है राजस्थान किड्स फैशन वीक में, और उसके आगे का अभी तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन ना अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। चलिए, अक्षिता का फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन। चलिए, और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस टेलर स्विफ्ट। अच्छा ये बताइए, रोल मॉडल कौन है? कैसे? मेरे रोल मॉडल अक्षय कुमार जी हैं। अक्षय कुमार जी तो सुबह 4 बजे उठते हैं, आपको उठना जल्दी पसंद नहीं? तो नहीं, तो उठना पड़ता है ना सुबह जल्दी स्कूल के लिए जाने के लिए, तो फिर उठना ही पड़ता है, तो वो मुझसे बस 1 घंटे पहले उठते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन जब आप थी, कम से कम 180 बच्चे थे उस समय, तो क्या लग रहा था, कैसा माहौल था उस समय, कैसी बॉन्डिंग रही उन सबसे, कुछ ऐसी मेमोरीज आपके पास हैं? हाँ, जब हम लोग पहली बार गए थे तो वहाँ पर एक्चुअली डेलीवुड का 2 प्रोग्राम थे, डेलीवुड के एक था ये कॉम्पिटिशन वाला और एक था डेली रनवे
फैशन वीक, तो उसके भी अलग मतलब अलग वो था और हमारा अलग था, तो दोनों उसी एक हॉल में थे। तो जब हम लोग एंटर किए तो जो दिल्ली रनवे फैशन वीक में थे वो सब एकदम प्रोफेशनल मॉडल थे, तो जो प्रोफेशनल होते हैं उनको देख के लग जाता है कि बहुत ही वैसे। तो मैंने कहा अगर ये सब मेरे साथ हैं तो मैं बिल्कुल नहीं जीत पाऊँगी, वापस चलते हैं बेइज्जती से अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा अरे रुके रहो, ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉम्पिटिशन हो, वो अलग हो तुम अलग हो। तो मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बैठ के रोज रोऊंगी। तो उसके बाद वो उन्होंने बुलाया उन दिल्ली रनवे फैशन वीक वालों को, तो मैं भी चली गई, मुझे क्या पता था कि। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जो इंडिया कंपटीशन के वो अलग है ये अलग है। तो मतलब कि मैंने कहा चलो जीतने के चांसेस हैं बच्चे मेरे। और वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बने थे मेरे, मोस्टली सभी दोस्त बन गए थे, सब इसलिए मेरे दोस्त बन गए थे क्योंकि सबको मैं इतनी क्यूट लगती थी। और जो मिसेज इंडिया की थी पार्टिसिपेंट दीदियाँ, वो तो रोज़ आके मेरा गाल खींचती थी, मैं जब भी उनको देखती थी भाग जाती थी कहीं फिर से गाल ना खींचे। और मिसेज इंडिया से तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, आज भी बातें होती रहती हैं इन सब चीज़ों की, भाई कि क्या कितने मज़े करते थे ये वो वैसे। यानी ये बहुत खूबसूरत से पल थे जो आज भी आपने संभाल के रखे हैं। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा भाई है छोटा, मेरे मामा हैं, मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी हैं और दादाजी हैं। दादाजी हैं, तो परिवार से पूरा सपोर्ट मिला आपको? हाँ। भाई आपका जब आप टीम इंडिया बन गई तो क्या रिएक्शन था उसका? कह रहा तो मेरी वजह से बनी हो, मैंने बोला था जाके जजेस को बनाने के लिए, नहीं तो तुमको नहीं बनाते ऐसे। यानी कि आज घर में भी आप एक बड़ी बहन के साथ भाई भी छेड़ता है। तो आपकी मदर का बहुत सपोर्ट रहा आपको? तो मम्मी और पापा दोनों का। क्या बताना चाहेंगे मॉम डैड को? मैं अपने मॉम डैड को ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, और मुझे इतना पता है कि कभी कभार मैं शैतानी करती तो गुस्सा जाते, बट मैं कभी भी ये उनको मैसेज करना चाहूँगी कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उनको प्यार करती रहूँगी और रिस्पेक्ट भी करती हूँ, जो उन्हें कभी कभार लगता है मैं नहीं करती हूँ, बट मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो अक्षिता अपने मॉम डैड को बहुत प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है, उनकी बात मानती, लेकिन छोटी है तो शैतानी भी करती है। तो अभी आसपास के लोगों का जो जानते हैं क्या रिएक्शन रहता जब आपको देखते हैं? तो मम्मी ने तो बाहर निकलना ही कम कर दिया है मेरा, तो ज़्यादा बात ज़्यादा जा ही नहीं पाती, तो बात किससे करूँ, जब से दिल्ली से आई हूँ पार्क में भी नहीं जाके खेल पाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी अब? हाँ, पढ़ाई भी है ना, तो फिर सबको तो फिर बाहर भी नहीं निकल पाती, फ़ोन ही में खेल लेती हूँ। फ़ोन में यानी अक्षिता को फ़ोन से खेलना पसंद है? हाँ, नॉर्मल बच्चों की तरह। तो अक्षिता से हमने ये बात की, साथ में अब उनसे ये पूछते अगर वो फिल्म में हीरोइन बनती हैं तो क्या सोचती हैं, किस हीरो के साथ डेब्यू करेंगी? पहले फिल्म करें अपने रोल मॉडल के साथ ही करना चाहूंगी, अक्षय कुमार जी के साथ। अक्षय कुमार के साथ एज अ हीरोइन आना चाहती हैं अक्षिता? अक्षय कुमार जी अगर देख रहे होंगे तो पहले आपको कॉल करेंगे। तो ये बात थी हमारी अक्षिता के साथ, जो मात्र 13 साल की उम्र में आंखों में देखे हुए सपनों को पूरे करते हुए माँ बाप का अपने मॉम डैड का सर गर्व से ऊपर करते हुए बेटियों से जो आज भारत का नाम है, साथ ही उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बेटी किसी से कम नहीं है। 13 साल की छोटी सी उम्र में इतनी पढ़ाई के साथ उन्होंने 2019 टीम इंडिया का खिताब जीता है। अक्षिता से बात का सिलसिला अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा भी, साथ में जो लोग उसे देख रहे हैं, बस एक सवाल मैं अक्षिता से और पूछूंगी कि जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, टीनेजर आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई पे फोकस करें कि अगर आपको देख के उनके अंदर इंटरेस्ट जाग गया मॉडलिंग का तो कि मॉडलिंग की तरफ इंटरेस्ट है? अगर मेरा भी इसमें इंटरेस्ट था तो इसके लिए ये तो नहीं है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो जब जजेस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो जब आपने पढ़ाई नहीं होगा तो आप आंसर कैसे बोलेंगे? और अगर आप कभी मतलब बड़े इंसान बनेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे आपके, तो अगर आप
की स्पीकिंग ही नहीं होगी, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको स्पीकिंग नहीं आएगी और आपको आंसर देने भी नहीं आएंगे। तो पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने पैशन को भी पूरा करना चाहिए। पढ़ाई इज़ अपनी जगह और पैशन एंड ड्रीम्स अपनी जगह। तो मॉडलिंग करिए बट उसके लिए अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना पढ़ाई के आप मॉडल नहीं बन पाएंगे। जब आपके पास मतलब आंसर ही नहीं रहेगा तो आप मॉडलिंग करके क्या करेंगे? जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या रहेगा? अक्षिता ये कहना था किसी प्रोफेशन में जाइए बिना पढ़ाई के, कोई भी प्रोफेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करता, पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्षिता ने मॉडलिंग के साथ पढ़ाई पे ध्यान दिया। आज मम्मी पापा अगर उनके साथ है वो इसलिए अक्षिता पढ़ने में भी अच्छी है, पढ़ाई पे भी उतना ध्यान रखती है। अक्षिता से बातों का सफर अब यही खत्म करते हैं, फिर कभी और किसी और सेलिब्रिटी के साथ जल्दी।